अयोध्या से गोरखपुर होते हुए सुनौली, और सुनौली से फिर ये चले गए लुम्बनी, लुम्बनी से चले गए थे ये पोखरा, और पोखरा से ये लोग काठमांडू जा रहे थे कि मुगलिंग के पास हमारी ये तीन में से एक गाड़ी फ्लिप करके चली गई खाई में, जिसमें तमाम लोग घायल हैं और कुछ कैजुअलिटी भी हुई है। ड्राइवर का नाम मुस्तफा है और उसके जिंदा रहने का या ना रहने का अभी कोई प्रमाण नहीं मिला। उसका फोन बंद है, नेपाली नंबर भी बंद है, इंडिया नंबर भी बंद है। अच्छा, कुछ बात वहाँ प्रशासन है, वहाँ नेपाल प्रशासन से आपकी कोई बात हो पाई, आपको क्या जानकारी? नहीं, नेपाल प्रशासन से हमारी कोई बात नहीं हुई, लेकिन लड़के से बात हुई है। इंडियन एम्बेसी के लोग पहुंच गए हैं, नेपाल के लोग वहाँ पे मदद कर रहे हैं। ये घटना कब हुई है? ये घटना आज 11 बजे करीब में हुई है। नेपाल में हुए बड़े हादसे ने यूपी को हिला कर रख दिया। तनहुँ जिले के अबू खैरनी क्षेत्र में जो बस हादसे का शिकार हुई वो यूपी नंबर की थी। बस का नंबर था UPFT 7623। ये केसरवानी बस यूपी के गोरखपुर से जुड़ी है, जो काठमांडू जाते समय नदी में गिर गई। बस में लगभग 40 लोग सवार थे और हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक बस का ड्राइवर मुस्तफा और कंडक्टर रामजीत उर्फ मुन्ना यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बस के मालिक ने इस हादसे के बाद बताया। पहले अपना नाम बताओ। मैं विष्णु केसरवानी, केसरवानी परिवहन। हमारे वहाँ से तीन बसें, दो बड़ी बस एक टेम्पो ट्रेवलर, गोरखपुर से नेपाल गई थी। ये महाराज भोसावल के पास की पार्टी थी और हमने इनको इलाहाबाद में पिकअप किया था। इलाहाबाद से इनको चित्रकूट ले गए थे, चित्रकूट से फिर वापस ही अयोध्या आए, अयोध्या से गोरखपुर होते हुए सुनौली, और सुनौली से फिर ये चले गए लुम्बनी, लुम्बनी से चले गए थे ये पोखरा, और पोखरा से ये लोग काठमांडू जा रहे थे कि मुगलिंग के पास हमारी ये तीन में से एक गाड़ी फ्लिप करके चली गई खाई में, जिसमें तमाम लोग घायल हैं और कुछ कैजुअलिटी भी हुई है। कितनी मौतों की बात सामने आ रही है, कितने लोगों की मौत हुई है? अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन जो जानकारी मिली है लोगों से वो 15 से 18 लोगों की मौत हुई है। अच्छा, इसमें जो ड्राइवर और खलासी थे उनके क्या नाम है और क्या वो सुरक्षित हैं या उनकी मौत हुई? ड्राइवर का नाम मुस्तफा है और उसके जिंदा रहने का या ना रहने का अभी कोई प्रमाण नहीं मिला। उसका फोन बंद है, नेपाली नंबर भी बंद है, इंडिया नंबर भी बंद है। अच्छा, कुछ बात वहाँ प्रशासन है, वहाँ नेपाल प्रशासन से आपकी कोई बात हो पाई, आपको क्या जानकारी मिली? नहीं, नेपाल प्रशासन से हमारी कोई बात नहीं हुई, लेकिन लड़के से बात हुई है। इंडियन एम्बेसी के लोग पहुंच गए हैं, नेपाल के लोग वहाँ पे मदद कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक यूपी के गोरखपुर के रहने वाले बस ड्राइवर और कंडक्टर का अभी तक कुछ अता पता नहीं चल सका। वहीं बस में सवार सभी यात्री महाराष्ट्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद बस के परखच्चे उड़ गए, चीख पुकार मच गई। ये बस नदी में गिरने के बाद किनारे पर पड़ी मिली। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये बस पोखरा के मजेरी रिजॉर्ट में ठहरे हुए भारतीय यात्रियों को लेकर काठमांडू जा रही थी। हादसे के समय बस में केवल भारतीय यात्री ही थे। इस हादसे की खबर के बाद तो मानो हाहाकार मच गया। हालांकि अब तक इस हादसे की असली वजह का पता नहीं लग पाया है। वहीं केसरवानी परिवहन के मालिक ने बड़ा खुलासा कर दिया। उन्होंने बताया कि बस का ड्राइवर और कंडक्टर यूपी का रहने वाला है, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा है, किसी का कुछ अता पता नहीं लग पा रहा। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ लखनऊ से सत्यम मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।